एक बार फिर से बात करने वाले हैं आप सबके साथ लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को लेकर। वही सिद्धार्थ पिठानी जिसे शक के दायरे में तो लाया गया सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद, लेकिन साथ ही सिद्धार्थ पिठानी को लेकर लगातार सवाल भी खड़े हुए, जहां पर सिद्धार्थ पिठानी से मुंबई पुलिस ने पूछताछ भी की थी, उसका स्टेटमेंट भी दर्ज किया था। लेकिन अब आया है सिद्धार्थ पिठानी का नाम ड्रग केस में, जहां पर पता चला है कि सिद्धार्थ पिठानी भी किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स प्रोवाइड करवाता था और कैसे सुशांत के घर में ड्रग्स लाता था। यहां तक कि सिद्धार्थ ने इस बात का खुलासा नहीं किया था कि सुशांत ड्रग्स लेता था अपने स्टेटमेंट में, और ना ही उसने इस बात का खुलासा किया था कि वो कैसे सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाता था या फिर सुशांत ड्रग्स भी लेता था। इसी के साथ आपको बता दें कि अब सिद्धार्थ पिठानी को लेकर एक और बुरी खबर सामने आ चुकी है। दरअसल सिद्धार्थ पिठानी ने 3 हफ्ते पहले इस बात का जिक्र किया था कि वो जमानत अर्जी को फिर से कोर्ट के सामने पेश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बुरी खबर ये है कि अभी तक सिद्धार्थ पिठानी, जिन्होंने 3 हफ्ते पहले कहा था कि वो अपनी जमानत अर्जी को कोर्ट के सामने पेश करेंगे, ना तो उनकी अर्जी पेश हुई है और ना ही जमानत सिद्धार्थ पिठानी को मिलेगी। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी लाख कोशिशें कर रहे हैं जेल से बाहर निकलने की, जमानत पर रिहा होने की, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी की हर एक कोशिश फेल हो रही है। जब से सिद्धार्थ पिठानी की शादी हुई है तब से ही सिद्धार्थ पिठानी जेल की सलाखों के अंदर सजा काट रहे हैं। बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी को बिल्कुल भी मौका नहीं मिला अपनी पत्नी के साथ या अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने का, और ऐसे में सिद्धार्थ पिठानी पूरी कोशिश कर रहे हैं जेल से बाहर निकलने की, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे। वो कोशिश कर रहे हैं जमानत करवाने की, जहां पर सिद्धार्थ पिठानी की पत्नी भी उनकी पूरी मदद कर रही है वकीलों से बात करके जमानत पर सिद्धार्थ पिठानी को बाहर लाने की, लेकिन हर बार कोर्ट कर रहा है सिद्धार्थ पिठानी की जमानत अर्जी को खारिज। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।